कानपुर देहात के शिवली निवासी बलवंत की पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत के मामले की एसआईटी जांच पूरी हो गई। एसआईटी ने बलवंत की मौत के मामले में शिवली थाना अध्यक्ष सहित एसओजी टीम को दोषी माना है। एसओजी प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। मुख्य आरोपी शिवली थाना अध्यक्ष राजेश सिंह को एसआईटी की जांच में दोषी पाए जाने के बाद सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 6 दिसंबर को कानपुर देहात निवासी बलवंत सिंह को चोरी के मामले में एसओजी ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद पुलिस अभिरक्षा में उसकी मौत हो गई थी। बलवंत के परिजनों ने पुलिस की पिटाई से मौत होने का आरोप लगाया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने एसओजी प्रभारी प्रशांत गौतम सहित चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। परिजनों की तहरीर पर मुख्य अभियुक्त बनाए गए शिवली थाना अध्यक्ष राजेश सिंह की गिरफ्तारी से पहले डीजीपी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी ने बलवंत की मौत से जुड़े हर पहलू की जांच करते हुए पुलिस प्रताड़ना को सही माना। एसआईटी हेड बनाए गए कन्नौज एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि मामले में सीसीटीवी फुटेज सहित तकनीकी व भौतिक साक्ष्यों की जांच की गई, जिसके आधार पर सभी आरोपी दोषी पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी शिवली थाना अध्यक्ष को भी आज गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों पर कानपुर देहात के रनिया थाने में धारा 147, 302, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज था। एसपी का कहना है कि पूरे मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। थाना रनिया जनपद कानपुर देहात पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 30/2022 धारा 147, 302, 504, 506 आईपीसी के संबंध में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के द्वारा जांच के क्रम में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया। इसके अलावा तकनीकी साक्ष्यों व भौतिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया, विभिन्न साक्षियों के अभिकथन अंकित किए गए। इस प्रकार संकलित साक्ष्यों के क्रम में पूर्व में ही चार आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। ये चार अभियुक्त हैं उप निरीक्षक प्रशांत गौतम, मुख्य आरक्षी सोनू यादव, मुख्य आरक्षी दुर्वेश कुमार तथा मुख्य आरक्षी अनूप कुमार। ये सभी तत्कालीन एसओजी टीम के सदस्य थे। आज दिनांक 19/12/2022 को उक्त घटना से संबंधित मुख्य नामजद आरोपी निरीक्षक राजेश सिंह तत्कालीन थाना प्रभारी थाना शिवली को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, पूछताछ में और क्या सामने आया है और